हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी पूछिए, आपको क्या जानना है, क्या सलाह चाहिए? सर इंफोसिस पे मैं 1600 रुपए, बॉब पे 800 शेयर्स लिया था मैं, और टीसीएस पे 3600-400 कॉन्फिस में लिया था सर। इंफोसिस का भाव बताइए जरा सर। इंफोसिस 1600 पे बाय किया था, 1600 1600 रुपए पर। हाँ सर, टीसीएस ने 3600 रुपीस पे बाय किया था, 1600 पर इंफोसिस, और टीसीएस 3600 पर। 3600 यस सर। ठीक है, इनके भाव से हालांकि दोनों ही शेयर कमजोर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर लास्ट ईयर आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा कमजोरी भरा वाला रहा, लेकिन अपने निचले स्तरों से तमाम शेयर ऐसे हैं इस स्पेस में दिग्गज, वहां पर हम देख रहे हैं कि 15-17% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है। इन्फोसिस की भी ये स्थिति है, और अगर हम टीसीएस की बात करें तो वहां पर भी रिकवरी लोअर लेवल से आई है। इन्फोसिस और टीसीएस, अभी हमारी बातचीत हो रही थी सौरभ जी गौतम शाह से, तो उन्होंने ये कहा कि निवेश के लिए तो ये शेयर ठीक हैं, और निश्चित तौर पर चूंकि वो चार्ट को भी बड़े अच्छे से एनालाइज करते हैं तो उनका व्यू मैटर करता भी है। आपको क्या लगता है कि इनके भाव पर जो जो स्टॉक्स हैं इनके भाव से थोड़े नीचे ज़रूर हैं, लेकिन अभी निवेशित रहें इसमें, थोड़ा समय दें और इनके भाव आएंगे, मुनाफा भी होगा इनको, उम्मीद करें ऐसी? आईटी सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि जब मार्च क्वार्टर के नतीजे आएंगे तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी मैनेजमेंट से कि वो उनका बिजनेस आउटलुक कैसा है। बट अगर यूएस में देखें तो जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो अभी और ऊपर जाने वाला है, तो इससे ग्रोथ स्टॉक्स में परेशानी रहने वाली है। दूसरा, वहां पर जो कंपनियां हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो आईटी पे हो रहा था उसको कट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को कम कर रही हैं और अपने मार्जिन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जो कंपनियां हैं उनके लिए बिजनेस लेना और अपने जो रेट रिविजन कराना उसमें थोड़ा परेशानी रह सकती है। मुझे लगता है फॉर द टाइमिंग आप इन्हें होल्ड करें, अप्रैल अभी आने ही वाला है, एक बार नतीजे देख लें तब रिव्यू करें, फिलहाल के लिए आप इन्हें होल्ड कर लीजिए। ठीक है, अभी के लिए होल्ड करना है, लेकिन निश्चित तौर पर जो कंसर्न्स रेज किए सौरभ जी ने वो वैलिड है अपनी जगह पर, कि ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही हैं, जोर होता है आईटी को लेकर जो बजट होता है जो उनके क्लाइंट्स होते हैं वो थोड़ी सी कट करते हैं, और उसके चलते हमने लास्ट ईयर भी थोड़ा सा जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमने प्रेशर देखा था, और इन्फ्लेशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट वाला भी सिनेरियो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिखेगा, तो थोड़ी सी चैलेंजेस होंगे। तो निवेश के लिए अगर आपका इरादा है लंबी अवधि का है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ी सी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, फिलहाल के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से गोपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। गोपाल जी नमस्कार, आपके पास कौन से शेयर हैं? पैरामाउंट कम्युनिकेशन। सर सवाल पूछिए जरा अपना। मेरे पास पैरामाउंट कम्युनिकेशन का 1200 शेयर है। पैरामाउंट कम्युनिकेशन, ठीक है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी सी इसमें हल्की सी गिरावट है, लेकिन पिछले कुछ सत्र से अगर इसको हम देखेंगे तो ये शेयर थोड़ी रफ्तार दिखाया है इसने। किरण, आप पैरामाउंट कम्युनिकेशन आप ट्रैक करते हैं क्या, इस पर कोई आप राय दे पाएंगे? सर टेक्निकली अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है 25 के लेवल के आसपास। स्टॉक में ऑलमोस्ट 1.5 साल का कंसोलिडेशन था और 24-25 के लेवल के आसपास से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली एक सर्किट पे चल रहा है और ऊपर में 44 तक का हाई बनाया। अब 44 से स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, मतलब एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, साथ ही साथ अपने 50 और 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। उनकी खरीदी काफी अच्छी भाव पे हुई है, उनको मुनाफा भी काफी अच्छा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत मुनाफा उनको यहाँ पे वसूलना चाहिए, या तो एटलीस्ट यहाँ पे 31 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर दीजिए। जैसे ही लेवल ये स्टॉक 31 तोड़ेगा तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन भी कंसिडर किया जाएगा और उसके चलते नीचे में ये स्टॉक वापस 25 तक फिसल सकता है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 31 का मेंटेन करके पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 31 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसे मेंटेन कीजिए, इसको आप होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉफिट बहुत ही डिसेंट हो रहा है, बढ़िया मुनाफा हो रहा है, आप इसे निकलने की भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इस शेयर में नहीं है और छोटी साइज की कंपनी है, 700 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका है।